हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अब आप जानते हैं कि अब आपका मैथ्स का पेपर है, मैंने आपको इंग्लिश में भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया था जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए कि आपका अच्छा पेपर चला जाए। इसी प्रकार अब मैं आपके लिए मैथ्स के लिए भी जो है कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप रिविज़न कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस देख सकते हैं कि वो कितना अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये एक सपोर्टिंग मटेरियल है, ठीक है, और ये KVS का है, तो आप इसको आराम से गेट कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। पहले एक चीज़ समझ लो, एक बार सुन लो। देखो, आपको ये तो पता होगा, जिनको नहीं पता वो ये देख लें, और नहीं तो बाकी बच्चे थोड़ी सी वीडियो आगे कर लें। देखिए, जो अलजेब्रा है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम, आप दोनों सुन लीजिए। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब आपका जो द्विघाती सूत्र है यानी कि चैप्टर नंबर 4, और जो आपका समांतर श्रेणी है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो बच्चे जैसे थोड़ा सा अगर किसी वजह से नहीं पढ़ पाए या कुछ कमी रह गई, तो पहले अपना जो है ना सिक्योरिटी लेवल जरूर उस पर आ जाइए। मतलब कहने का ये है कि पास होने लायक पहले अच्छे से कर लीजिए। और पास होने लायक मैं आपको बता दूँ कि देखिए, आपका जो चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है, सांख्यिकी का, वो 8 मार्क्स का आ रहा है, इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, इसमें से भी प्रैक्टिस कर लो, और जो बेसिक वाले हैं वो बुक से अच्छे से करें, और मस्ट डू जरूर कर लें। जो बेसिक वाले हैं, जो स्टैंडर्ड वाले हैं, वो तो इसमें से जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो 8 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो कंस्ट्रक्शन का है, जो रचना वाला है, ठीक है, जो आपका जो कंस्ट्रक्शन वगैरह आएगा ना, ये तो ये कंस्ट्रक्शन का जो आपका 3 या ठीक है 4 इस तरीके से आने वाला है, क्योंकि टोटल मिला के चैप्टर नंबर जो 10 है और चैप्टर नंबर जो 11 है, सर्कल यानी कि वृत्त, ये टोटल मिला के जो है ना वो 9 मार्क्स का है। ठीक है, और देखो, चैप्टर नंबर 10 को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपकी बुक है, चाहे जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं ना, तो चैप्टर नंबर 10 में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे अच्छे से कर लें, और थ्योरम अच्छे से कर लें। ठीक है, थ्योरम एक आने के हमेशा चांस रहते हैं। ये तो जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है एक्सरसाइज 10.2 का, वो भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, 11 भी आया हुआ है। मतलब कहने का कि ज़्यादातर ना सर्कल्स में बुक के क्वेश्चन आता है, 2-4 जो बाहर से आते हैं वो आप इसमें से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, जो पासिंग वाले बच्चे 8 नंबर ये हो गए, और 3 नंबर इसमें हम मान लेते हैं, 8 और 3 हो गए 11 नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है वो बच्चे, जो मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि एक बेसिक वीडियो बना रखी है, थोड़ा सा आप इसको देख लें, और अगर आप इसमें डी वाला कर लेंगे, B² - 4AC वाला, जिसमें से के निकालने वाला होता है, मैं वीडियो सबके लिए लेकर आऊँगा, तो वो थोड़ा सा कर लें इसमें से। और इसमें से जो है जो वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया, उसके फॉर्मूले वगैरह, ठीक है, अच्छे से कर लें, तो पुट करके कुछ आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये आपका चैप्टर नंबर 9 आ रहा है, तो जो बेसिक वाले इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लें, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं ना, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ठीक है, और जो 14 है उसी के जैसे, और एक जो क्लाउड वाला है, ठीक है, जो जिसकी परछाई पानी के अंदर बनती है, उस जैसे क्वेश्चन जो है वो देख लें। ठीक है, सुन लें ना मेरी बात। तो इस तरीके से आप 13 जो बच्चे पहले सिक्योरिटी लेवल को पार कर लेंगे, फिर उन्हें और अच्छे से करते चले जाना। मैंने अभी सर्कल के इसमें मार्क्स आपके जो है नहीं लगाए थे, ठीक है, क्योंकि थ्योरम कोई भी आ सकती है, इसलिए बाकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मैं आपको दे दूँगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो ना, टेलीग्राम पर मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसे कोई सैम्पल पेपर होता है या कुछ भी होता है, तो उस पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ बच्चों को। ठीक है, कई बार क्योंकि हर चीज़ की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, देखो इसमें खास बात यह है कि पहले सारा समझा रहा है कि क्या क्या फॉर्मूले हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करने की पूरी कोशिश करूँगा, जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, बाकी और भी मैं आपके लिए बनाऊँगा। प्री बोर्ड के जो पेपर है ना, जो मैंने वीडियो बनाई थी, उनको भी देख लेना। ठीक है, जो भी प्री बोर्ड का पेपर होता है ना, प्रैक्टिस बोर्ड, अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल का देख रहा है, तो वो प्री बोर्ड की वीडियो देख लेना, क्योंकि वो DOE ने पेपर स्टार्ट किए थे, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे करना था। ठीक है, और मैंने आंसर की भी उसमें डाली थी, ठीक है, बाद में प्रोवाइड करी थी। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट, देखो मेहनत पूरी ईमानदारी से करो, अपना बेस्ट दो। ठीक है,
और जो अगर पुराने पेपर में जैसा हो गया उसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये आप देखो आईडी लेने के लिए देख सकते हो कि क्या आप इसको डाउनलोड करें या ना करें, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और देखो ये मैं सोचना कि जैसे अभी थोड़े से दिन रह गए हैं तो मैं अभी बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। आंसर भी इसमें है और जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो आराम से अपने आंसर देखें आराम से ना, जो पीडीएफ है ना वो जो है डाउनलोड कर लें, ठीक है, आराम से उसको कर लें। और टेलीग्राम चैनल का जो नेम है ना वो एएससी स्टार्टर के नाम से, और देखो चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, मैंने उसकी जो है ना वीडियो बना रखी कंसेप्ट वीडियो, ठीक है। बाकी और पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाई होगी, मुझे खुद नहीं पता 2-3 सालों से, तो वो उनको देख के क्रैक करके आपके लिए प्रिपेयर कर दूँगा, प्लेलिस्ट बना दूँगा। अब बाकी देखते हैं ना कितना सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो उसके बेस पर ही मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और जब पेपर होगा तो उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात। अब देखो बच्चे ना इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या पढ़े, क्या करें, क्या ना करें। तो देखिए सबसे पहले आप अपने NCERT करें, जो बच्चे बेसिक वाले हैं मस्ट डू करें। अब जिन बच्चों को मस्ट डू नहीं पता तो मैंने मस्ट डू की वीडियो बना रखी है, आप मैथ मस्ट डू ASC स्टार्टर लिखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चैनल का नाम है ना ASC स्टार्टर, तो वही आप लिखकर YouTube पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं प्लेलिस्ट तैयार करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ठीक है। सुन लेना मेरी बात, देखो प्रैक्टिस खूब मन लगा के पढ़ो, एक एक मिनट को जो है ना पूरा अवेलेबल हो, क्योंकि बच्चे फिर लास्ट वाला जब दिन होता है तो उस समय अपने माइंड को बहुत थका लेते हैं, फिर पेपर के टाइम पर पूरा माइंड चला नहीं पाते। तो पहले से पूरी प्रिपरेशन रखो ताकि बाद में आप माइंड को बिल्कुल रेस्टफुल तरीके से अच्छे से पेपर दे पाए, ठीक है। क्योंकि माइंड अगर आपको फ्रेश होगा तभी तो आप करेंगे, सुन रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अब देखो बहुत बड़ा PDF है, इसको पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं यहीं पर जो है इसको विराम दे रहा हूँ, आप इसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर साइल डियर स्टूडेंट्स।